नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष श्रीवास्तव माय टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गुजराती खांडवी बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा कटोरा ले लिया है, बाउल, और उसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे। नॉर्मल बेसन जो घर में होता है वही डालेंगे, और आधा कटोरी हम दही डालेंगे, फ्रेश दही और नॉर्मल वाला, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम, और कलर के लिए आधी चम्मच से भी कम हल्दी डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, एक छोटा टुकड़ा अदरक है, और दो तीन हरी मिर्च है उसका भी पेस्ट डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, और एक चुटकी हींग डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से बेसन को फेंटेंगे, इसमें एक भी लम्स ना रहने पाए और दही भी अच्छे से फट जाए। तो अब इसको हम बहुत अच्छे से चलाते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटेंगे, एक भी लम्स ना रह जाए, बेसन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बेसन का फिटा होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि फिर अच्छा सॉफ्ट खांडवी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए बेसन को खूब अच्छे से फेंटना ज़रूरी है, और फेंटने के बाद में फिर हम थोड़ा पानी और डालेंगे। तो इसमें कम से कम जैसे एक कटोरी बेसन लिया है तो उसमें दो कटोरी के आसपास पानी पड़ जाएगा, 2 या 2.5 कटोरी। तो ये देखिए, ये इतना पतला घोल होना चाहिए। अभी देखिए पानी मैंने और डाला है, बहुत गाढ़ा घोल नहीं चाहिए और इस तरह का होना चाहिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, धार बननी चाहिए। तो इसी तरह का बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको छानेंगे। तो जिस बर्तन में हमें इसे बनाना है तो डायरेक्ट उसी बर्तन में हम इसको छन्नी से छान लेंगे। जितना भी अदरक मिर्च वगैरह जो वेस्ट है वो हम निकाल देंगे छन्नी से छान के, दबा दबा के अच्छे से, ताकि ये खांडवी में ये मुंह में खाते समय फंसे ना। तो इसको अच्छे से छानना ज़रूरी है। तो इसको दबा दबा के पूरे बैटर को इस तरह से छान लेंगे, और गैस पर चढ़ा देंगे इसको। गैस पर धीमी आँच में इसको हम बराबर चलाते हुए इसको पकाएँगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, वरना फिर इसमें लम्स आ जाएंगे और खांडवी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको लगातार चलाते रहना है, और ये जैसे जैसे पकता जाएगा ये हल्का सा गाढ़ा होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए चलाते जाना है, आँच को धीमा रखना है, बिल्कुल तेज़ आँच पर नहीं बनाना है। और ये बेसन एक थोड़ा सा फदकने जैसा लगनेगा, तो इसमें ये आप इसको चेक कर लेंगे पहले हम कि ये पका है कि नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा थाली में फैला कर देख लेंगे कि ये जमने लायक हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद नहीं पका है, फिर भी मैं टेस्ट इसको चेक करके देख ले रही हूँ थाली में। ये देखिए अभी नहीं पका है, क्योंकि ये देखिए अभी जम नहीं रहा है, तो इसलिए इसको अभी हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर दोबारा से इसको चेक करके देख लेंगे कि ये जमने लायक हो गया है कि नहीं हो गया है। तो अभी हम इसको ये देखिए दोबारा से चेक कर रहे हैं, तो ये लगभग पक गया है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको अगर अंदाज़ नहीं है तो आप इस तरह से चेक कर सकती। तो अब ये जमने लायक हो गया है अच्छे से, क्योंकि ये जम जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको गर्म गर्म में ही बनाना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। अब हम कोई थाली ले लेंगे, थाली के पीछे वाला जो साइड होता है या ट्रे ले लें, उसमें इस तरह से पतला पतला फैला दें, एकदम पतली पतली सी लेयर फैला दें स्पैचुला की सहायता से। आप इस तरह से 2-3 थालियों में जितना बैटर है आपके पास उतने में आप उसको उल्टा थाली में इसको पतला पतला फैला दें, और 10 से 15 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये देखिए इस तरह से स्पैचुला से आप इसको अच्छे से फैला दें पूरी थाली में या ट्रे में, जो भी आपके पास है। तो मैंने थाली में इतने बैटर में मैंने 3 से 4 थालियों में इसको फैलाया था। तो इसी तरह से आप सभी थालियों में फैलाकर इसको ठंडा होने के लिए रख दें, जब कम से कम 15 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दें अच्छे से। ठंडा होने के बाद ही हम इसको काटेंगे। अब ये देखिए 15 मिनट बाद ये ठंडा हो गया, हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। अब हम इसके 2 से 2.5 इंच के टुकड़े जैसे काट लेंगे, इसके पीसेस कर देंगे चाकू से, और इसको ये देखिए इस तरह से जहाँ से पीस मैंने काटा है इसको अच्छे से मोड़ते हुए जाना है किनारी, और बहुत आसानी से मुड़ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद इसका रोल ऐसा बनाते हुए जाना है।
ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हो जा रहा है आराम से, और हमने थाली में ऑयल भी नहीं लगाया था और आराम से ये जम गया है। इस तरह से रोल बना बना कर रखते जाएँ सभी थालियों में काट काट के। तो ये देखिए इस तरह से अभी मैं एक रोल और बना के बता रही हूँ। देखिए किनारी से चाकू की भी सहायता आप ले सकते हैं, इस तरह से किनारी मोड़ के और इसका रोल बनाते हुए इसको आसानी से बन जाता है। इसको रखते जाएँ ये देखिए इस तरह से, और बहुत सिंपल है और आराम से बन जाता है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो इस तरह से सभी थालियों का काट काट के आप आराम से रोल बना के रखते जाएँ। फिर उसके बाद हम इसके तड़के के लिए सरसों का तेल गरम करेंगे किसी चमचे में या तड़का पैन में। तो आप इसमें राई का तड़का दे दें, करी पत्ता हो तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, और सफ़ेद तिल डाल सकते हैं इसमें, तो जो भी आप डेकोरेशन के लिए, और गरी डाल सकते हैं नारियल घिस के। तो उसका आप इसमें देखिए तड़का दे रही हूँ मैं, इस तरह से तड़का दे दीजिए आप, और इसके ऊपर से मैंने गरी का बुरादा डाला। आप फ्रेश गरी भी घिस के डाल सकते हैं। तो मैंने ये देखिए गरी का बुरादा डाल दिया डेकोरेट करने के लिए, और ये देखिए आप ऊपर से फ्रेश धनिया काट के डाल दिया डेकोरेशन के लिए। देखिए कितनी बढ़िया खांडवी बनकर तैयार हुई है और एकदम सॉफ्ट बनी हुई है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें।